बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फला किचन। फला किचन में आज बन रही है बड़ी मज़ेदार नारान कागान की सब्ज़ी। ठीक है जी, तो नारान कागान की सब्ज़ी इसलिए है क्योंकि हम जब पाकिस्तान टूर पे गए थे तब हमने ये सब्ज़ी वहाँ खाई थी और हमें बहुत ही कोई टेस्टी लगी थी, और उसके बाद जो है मेरी मामा ने हम सबको बना के खिलाई है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि हमने बनाई था अचार, तो उसका जो थोड़ा ऑयल था वो हमने लेफ़्ट ओवर ऑयल समझ लें तो उसको हमने इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पर हमने एक पल्ली जितना ऑयल दूसरा शामिल कर लिया है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमने तीन बड़े लाल लाल जो एकदम रेड वाले टमाटर होते हैं ना, उसको रफली कट कर लेना है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। दोपहर का जो है वो लंच कह लें या जो भी कह लें आप इसे, तो ये है लंच ही मेरे बाबा का, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो नहीं खाया जाता ये वो, तो वो सब्ज़ी और रोटी ज़्यादा शौक से खाते हैं, आपको पता है दोपहर वगैरह में। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है भाई, सिंपल जो है वो दो से एक पल्ली जितना आपने ऑयल डाल देना है। देन आपने इसके अंदर तीन से चार जो है वो बिल्कुल लाल वाले टमाटर डालने हैं। हाफ टी स्पून आपने हल्दी शामिल कर देनी है। बहुत ही बेसिक से मसाले हैं, इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन ये है कि ये बहुत ही कुछ टेस्टी और लजीज सब्ज़ी बनती है भाई, और ये बड़ी शौक से खाई जाती है हमारे घर में। और आज की व्लॉग या वीडियो जो भी आप कह लें इसीलिए लेट है क्योंकि मैंने ये रात को बना लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जो है वो वॉइस ओवर नहीं किया था, और उसके बाद जो है कपड़े शपड़े धोने थे तो वो बहुत सारा काम हो जाता है आपको पता है। और अभी तो हमारी आंटी भी जो है वो चली गई हमें छोड़कर, जो हमारी हाउस हेल्प पर थी, तो सारे काम जो है वो हम पर हैं, तो ये सारे सीन होते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही डबल तो वो रहता है ना कि भाई ये कर ले तो फिर ये भी कर ले तो फिर ये भी कर ले, तो उन चक्रों में सारा हमारा जो है वो काम जो है वो ज़रा रुल जाता है। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर टमाटर हो रहे थे तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी आपसे गपशप कर लेते हैं। तो ये सारे सीन आजकल मेरे चल रहे हैं, और अब देखें ये कब तक चलते हैं, जब तक कोई अच्छी ईमानदार हमारी जो है वो आंटी ना आ जाए काम के लिए, क्योंकि हमारी आंटी को तकरीबन कोई 11 से 12 साल हो गए और वो हमारे पास थी। अब वो गई हैं तो जाहिर बात है कि अब वो जब आएंगी तब आएंगी, क्योंकि वो आंटी अब देखें कब आती भी हैं या नहीं, ये लेट्स सी होता है अब क्या आगे देखेंगे। खैर जी, तो बैक टू रेसिपी। और यहाँ पर हमने जो है वो लहसुन ले लिया था, एक जवा कह लें या एक गट्ठा जो भी कह लें आप इसको, जो भी आप कहते हैं वो ले लेना है सिंपल। इसमें हमने नमक डाला है, ज़ीरा डाला है और कुछ भी नहीं डाला बस, और इसे अच्छी तरीके से कूट लीजिएगा। फिर वही बात, कूटना आपकी मर्ज़ी है, आप कूटना चाहें तो उसको आपने हमाम दस्ते में डाल देना है, और अगर आप चाहें तो चॉपर में डाल दें। यहाँ पर हमने जो है वो ट्रायंगल शेप या जो भी कह लें आलू हमने कट किए थे, वो है दो अदद आलू थे, दो अदद हमने गाजर लिए थे, और ये चाइना के गाजर हैं तो इसलिए आपका सब कलर होगा, वैसे अगर वो रेड वाले होते तो उसका कलर बहुत ही मज़े का होता है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमने डाल दिया है एक टेबल स्पून भर के लाल मिर्च, और एक टेबल स्पून जो है हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं। तो अब आपके ऊपर है आप कितनी क्या चीज़ यूज़ करते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारी जो मिर्च है वो तीखी होती है, और ये वाली जो मिर्च होती है वो कलर के लिए बहुत अच्छी रहती है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमने जो हमारा पेस्ट था जिसमें लहसुन ज़ीरा और नमक था सिंपल, उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है और कश्मीरी लाल मिर्च, दैट्स इट। देखा कितना ईजी है। उसके बाद आपने शामिल कर देनी है शिमला मिर्च, दो से तीन जो है वो शिमला मिर्च ले लेनी है, उसको आपने ऐसे ही शेप में काट लेना है। अब आपके ऊपर है टोटल कि आप कैसे बनाना चाहते हैं, हमने ऐसे खाई थी तो हम ऐसे ही एज इट इज़ बनाते हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्टिक्स में भी काट लें तो भी अच्छी लगेगी, लेकिन हम हमेशा ऐसे ही खाते हैं भाई। ठीक है, और ये मेरी बहन के बच्चों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, क्योंकि हम जब नारान कागान में, आपको पता है हम कराची के हिसाब से चल रहे होते थे, और वहाँ तो है ना वो उनका डिनर का टाइम हो रहा होता था, अगर हम शाम के टाइम पे पहुँचते थे तो 7:30 बजे, तो फिर हमें खाना होता था, तो फिर वो कहते थे नहीं अब आप एक काम करो, ये कराची नहीं है आपका, तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी। तो उसने हमें झटपट जो है वो ये रेसिपी बना के खिलाई थी, और हमने जो है वो खाई थी बड़ी बड़ी शौक से, क्योंकि कराची वाले लोग जो है ना वो बड़े चीज़ों के चटपटी चीज़ों के आती हैं, तो वहाँ पे हमने ऐसी सब्ज़ी भी हमें बहुत अच्छी लगी थी, और हमने उसे कहा था थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाइएगा। ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने जो है वो मटर भी शामिल किए थे। उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, वरना मैं जाती तो मैं ज़रूर बना लेती, पूरा पाकिस्तान टूर ही जो है ना वो रिकॉर्ड होता, लेकिन चले कोई बात नहीं,
दे रहा है, दुरुस्त है। तो हमने जो है वो एक कप जितने जो है इसके अंदर मटर शामिल कर लिए हैं, क्योंकि इसमें हम तीन लोग शामिल होते हैं, जिसमें मैं, मेरी भाभी और मेरे बाबा, हम तीनों खाते हैं दोपहर में, ठीक है जी। और ये है सिंपल रोटी, क्योंकि उस वक्त भी हमने कुछ बनाया था गिलकी शिलकी, तो ये